नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम विधि लिंग लकार पट धातु के आधार पर वाक्य बनाएंगे और साथियों सीखेंगे कि हिंदी में जो वाक्य होता है उसका हम संस्कृत में किस प्रकार से ट्रांसलेशन करें। तो आइए साथियों प्रारंभ करते हैं। पुरुष के विषय में हम पहले ही जान चुके हैं कि एक बार और रिपीट करना चाहता हूं कि अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों और वयम का मतलब हम सब। ये तीन शब्द उत्तम पुरुष के होते हैं और त्वम तुम, युवाम तुम दोनों और यूयम तुम सब, ये तीन शब्द मध्यम पुरुष के होते हैं। इनके अतिरिक्त जितने भी शब्द होते हैं वो सब प्रथम पुरुष के होते हैं। तो एक बार साथियों लिख भी देता हूं मैं, देखिए उत्तम पुरुष में अहम एकवचन, एम मीन्स मैं, आवाम द्विवचन मतलब हम दोनों और वयम बहुवचन का मतलब हम सब। नेक्स्ट मध्यम पुरुष त्वम तुम और युवाम तुम दोनों। नेक्स्ट यूयम तुम सब, ठीक। इनके अतिरिक्त अब लिख रहा हूं साथियों प्रथम पुरुष के कुछ महत्वपूर्ण कर्ता, जैसे पुल्लिंग लिखूंगा प्रथम पुरुष के कर्ता, यहां पर लिख देता हूं प्रथम पुरुष, सभी प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे, ठीक है। जैसे पुल्लिंग में लिखूंगा से, वह, तौ, वे दोनों और ते का मतलब वे सब। फिर स्त्रीलिंग में लिखूंगा कौन से शब्द हैं ये, तद शब्द, तद का मतलब वह, ठीक। और स्त्रीलिंग में सा, वह, ते, वे दोनों और ता का मतलब वे सब, ठीक है। अब आगे देखिए पुल्लिंग, पुल्लिंग कौन सा लिखेंगे हम यहां पर, इदम, इदम लिखेंगे हम, अयम, यह, इमौ, ये दोनों और इमे, ये सब, ठीक है। अयम, यह, इमौ, ये दोनों और इमे, ये सब, ये पुल्लिंग के तीन शब्द हुए, ये भी प्रथम पुरुष हैं। नेक्स्ट स्त्रीलिंग देखिए, स्त्रीलिंग में इयम, यह, इमे, ये दोनों, इमाह, ये सब, ये स्त्रीलिंग के हैं। अब हम कोई भी नाम लेते हैं, जैसे राम है, एक वचन हो गया, राम है और श्याम है, से द्विवचन हो गया, और आगे तीन नाम लिख देंगे, जैसे राम है, श्याम है, मोहन है, से, ये तीन नाम हो गए। तो यहां पर जैसे राधा एक नाम हो गया, राधा सीता चे दो नाम, राधा सीता मीता चे तीन नाम हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम स्त्रीलिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, इनके अलावा जितने भी कर्ता होते हैं वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम एक बार सीधे ही जोड़ करके प्रयास करते हैं कि जैसे सह है, सह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वह, लेकिन हम हिंदी में वाक्य बनाते हैं जैसे उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, तो यहां पर उसे हम किस शब्द रूप में ढूंढते हैं, तद शब्द रूप में ढूंढते हैं, लेकिन उसे की संस्कृत हमें नहीं मिलती है। कहने का मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहां हमें ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ना चाहिए किसे, उसे, पढ़ने वाला कौन है, वह। यहां पर कर्ता क्या लिखेंगे हम संस्कृत के अनुसार, जैसे यहां पर भी हम देखें कि उसे पढ़ना चाहिए, यहां पर कर्ता क्या, ये, और क्रिया ये, क्रिया ये, तो यहां पर क्या लिखेंगे, से,
विधिलिंग में क्या लिखेंगे? उसे, वह को विधिलिंग में क्या लिखेंगे? उसे पढ़ना चाहिए। तो सह प्रथम पुरुष एकवचन है, तो प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट है उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन दोनों को, उन दोनों को, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम? सह, उसे और तव, उन दोनों को। तो यहां पर तव का मतलब उन दोनों, उनको या उन सबको। देखिए उनको या उन सबको, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे साथियों? ते, उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? ते। देखिए उसे पढ़ना चाहिए, उसे तो सह, उन दोनों को पढ़ना चाहिए तो तव, उनको या उन सबको पढ़ना चाहिए तो ते। इस प्रकार से हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो इसका जरूर ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि उसे पढ़ना चाहिए, पढ़ने वाला कौन है? उसे। तो यहां पर ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि वह पढ़ना चाहिए, वह पढ़ना चाहिए, हम इस प्रकार से भी बोलते हैं कि उसे पढ़ना चाहिए, वह पढ़ना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, और उसे पढ़ना चाहिए ऐसा भी होता है। तो यहां पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, उसे पढ़ना चाहिए तो यहां पर करता होगा से, उन दोनों को पढ़ना चाहिए तो करता होगा तव, उन सबको पढ़ना चाहिए तो करता होगा ते। तो अब हम इनके वचन के अनुसार क्रिया के साथ इनको जोड़ते हैं, उसे पढ़ना चाहिए सह, प्रथम पुरुष है, देखिए प्रथम पुरुष लिख रखा है ऊपर एक वचन के नीचे एक वचन है, द्विवचन के नीचे द्विवचन और बहुवचन के नीचे बहुवचन के शब्द लिखे हुए हैं, जिससे हमें किसी प्रकार का भी संदेह नहीं हो। तो साथियों देखिए उसे पढ़ना चाहिए सह पठे, देखिए प्रथम पुरुष एक वचन है, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, सह पठे उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए तो लिखेंगे तव पठेता, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए ते पठेयु, ते उन सबको पठेयु पढ़ना चाहिए। यहां पर प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता का प्रयोग कर रहे हैं तो यहां पर भी प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे हम, तभी हमारा वाक्य शुद्ध होगा। नेक्स्ट है, अब देखिए स्त्रीलिंग में भी हम इसी प्रकार से करेंगे, उसे पढ़ना चाहिए सा पठे। साथियों कर्ता पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसक लिंग हो, क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कौन सी क्रिया पर? लकार की क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उन दोनों को पढ़ना चाहिए तो ते पठेता, उन सबको पढ़ना चाहिए ता पठे। अब इदम शब्द आ गया, इदम शब्द में हम क्या प्रयोग करेंगे? इदम का मतलब यह क्या होता है? यह है, यह के लिए दो तरह से वाक्य होते हैं कि यह है पढ़ना चाहिए, यह पढ़ना चाहिए, यह इच्छा हो गई, और इसे पढ़ना चाहिए, इसे इसे, और द्विवचन में क्या लिखेंगे? इन दोनों को, इन दोनों को, बहुवचन में इनको या इन सबको, बहुवचन में इस प्रकार से लिखेंगे इन सबको। ठीक है, इसे तो लिखेंगे अयम, इन दोनों को इमौ, इन सबको तो इमे, ये इस प्रकार से हम कर्ता प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसे पढ़ना चाहिए तो अयम पठेत, अयम प्रथम पुरुष एकवचन है, प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे अयम पठेत, इन दोनों को पढ़ना चाहिए इमौ, प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है इमौ, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठेता, इमौ पठेता, इन दोनों को पढ़ना चाहिए, इन सबको पढ़ना चाहिए इमे पठेयु, इन सबको पढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट है साथियों स्त्रीलिंग में भी हम इसी प्रकार से करेंगे, इसे पढ़ना चाहिए तो इयम पठेत, इन दोनों को पढ़ना चाहिए इमे पठेता, इन सबको पढ़ना चाहिए इमा पठे, इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। अब नेक्स्ट है जैसे कर्ता है, राम को पढ़ना चाहिए, राम को पढ़ना चाहिए, ये क्या है? नाम। और जैसे सीता को पढ़ना चाहिए, यहां पर सीता लिख दिया, सीता को पढ़ना चाहिए,
यहां पर साथियों एक कंफ्यूजन है, क्या है? देखिए कर्ता ने कर्म को, यहां पर कोचिन आ रहा है, कोचिन आ रहा है, लेकिन यहां पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ना चाहिए किसको? राम को। पढ़ने वाला कौन है? राम है। तो जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहां पर राम एक है तो यहां पर लिखेंगे साथियों राम है। प्रथम पुरुष एकवचन का करता है तो प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठेत। राम है पठेत, राम को पढ़ना चाहिए। जैसे सीता को पढ़ना चाहिए तो भी हम प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे सीता, और प्रथम पुरुष एकवचन है, प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठेत। सीता को पढ़ना चाहिए सीता पठे। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता साथियों। हमें हिंदी से संस्कृत में वाक्य ट्रांसलेशन जब करते हैं तो इनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट एक शब्द और है, जैसे आप शब्द, उसके भी करता थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं, यहां इनको रफ कर देता हूं साथियों। आप में पुल्लिंग में देखिए एक वचन होगा भवान, भवान का मतलब आप, भवंतौ आप दोनों, और भवंतः है आप सब, ये भी प्रथम पुरुष है, और स्त्रीलिंग में भवती, आप भवत्यौ आप दोनों द्विवचन, और भवते है आप सब, ये है बहुवचन। ठीक है, अब वाक्य बनाएंगे आपको पढ़ना चाहिए, आप पढ़ना चाहिए नहीं, आपको पढ़ना चाहिए। भवान का मतलब शाब्दिक अर्थ है आप, और चिन्ह लगा दिया तो ने, ने आपने, आपने पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप दोनों को, आप दोनों को, आप को, या आप सबको, तो यहां पर भवंत है बहुवचन का कर्ता, यहां पर भवंत द्विवचन का कर्ता, और आपको यहां पर भवान एकवचन का। आपको पढ़ना चाहिए तो भवान प्रथम पुरुष एकवचन का कर्ता है तो प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठेत। भवान पठेत, आपको पढ़ने पढ़ना चाहिए, आप दोनों को पढ़ना चाहिए, आप दोनों को, तो भवंतौ, देखिए भवंतौ पठिता, भवंतौ प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठिता, भवंतौ पठिता, आप दोनों को पढ़ना चाहिए, आप सबको पढ़ना चाहिए तो भवंतः है पठेयु, भवंतः है पठेयु, आप सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है साथियों, अब स्त्रीलिंग में भी इसी प्रकार से करेंगे, आपको पढ़ना चाहिए भवती पठेत। अब हम पहचानेंगे कैसे कि हमें वाक्य स्त्रीलिंग का बनाना है या पुल्लिंग का बनाना है। तो साथियों वाक्य में पहली बात तो यह है कि आपको पढ़ना चाहिए, तो यहां पर पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग का कहीं पर भी कोई संकेत नहीं दिया हुआ रहता है तो हम वाक्य बनाएंगे पुल्लिंग में, और यदि संकेत दिया हुआ रहता है थोड़ा सा भी तो हम वाक्य स्त्रीलिंग का संकेत दिया हुआ है तो स्त्रीलिंग का कर्ता लगाएंगे, पुल्लिंग का संकेत दिया हुआ है तो पुल्लिंग का कर्ता प्रयोग करेंगे। आपको पढ़ना चाहिए भवती पठित, आप दोनों को पढ़ना चाहिए भवत्यो पठिता, आप सबको पढ़ना चाहिए भवते है पठे, इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। अब साथियों देखिए हम उत्तम पुरुष के कर्ता के आधार पर वाक्य बनाते हैं। अहम का मतलब होता मैं, लेकिन विधिलिंग लकार में क्या वाक्य बनेगा? मुझे पढ़ना चाहिए मुझे, देखिए विधिलिंग लकार में वाक्य बनेगा मुझे पढ़ना चाहिए। अब मुझे कौन है? मुझे का मतलब वक्ता बोलने वाला, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैंने पढ़ा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूं, और मुझे पढ़ना चाहिए। कर्ता क्या है? एक ही कर्ता होगा। देखिए
ध्यान से देखेंगे पांच लकार में, मैं पढ़ता हूं तो वाक्य बनेगा हमारा अहम पठान, मैं पढ़ता हूं ठीक है, मैंने पढ़ा, यहां पर जो मैं है मैं पढ़ता हूं तो वाक्य बनेगा अहम पठामि, ठीक है, जो मैं है ये, देखिए मैं के स्थान पर क्या लिखा हमने, अहम, मैं पढ़ता हूं, और मैंने पढ़ा तो कर्ता ने, लंग लकार में यहां पर ने का चिन्ह और लगा दिया जाता है, मैंने पढ़ा तो लिखेंगे फिर भी कर्ता संस्कृत में अहम ए पठम, संस्कृत में कर्ता समान आएगा, लेकिन हिंदी में देखिए अंतर, इसका क्या हुआ मैं पढ़ता हूं और इसका क्या हुआ मैंने, मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, और मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अहम पठिष्यामि, अहम पठिष्यामि यहां पर भी हो गया मैं पढ़ूंगा, लोट लकार में मैं पढ़ूं अपने आप को सजेशन दिया जा रहा है तो यहां पर लिखेंगे अहम पठानी, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया, यहां पर भी मैं पढ़ूं, और विधिलिंग लकार में क्या लिखेंगे, मुझे पढ़ना चाहिए, यहां पर देखिए ये मुझे पढ़ना चाहिए तो यहां पर मुझे के लिए अहम पठेयम यूज करेंगे, अहम पठेयम प्रयोग करेंगे, ये देखिए हमारी हिंदी भाषा में कर्ता के लिए इस प्रकार से शब्द चेंज हुए, लट लकार में मैं, लंग लकार में मैंने, और फिर दृढ़ लकार में भविष्य काल में मैं, लोट लकार में मैं, और विधिलिंग लकार में मुझे, ठीक है, ये जो शब्द है हिंदी के उन सब के लिए संस्कृत में केवल एक ही कर्ता है अहम, एक ही करता है अहम, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, अब मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ने वाला कौन है मैं, तो इसके लिए संस्कृत में करता होगा अहम, ठीक है, नेक्स्ट है हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम दोनों के लिए क्या यूज होगा आवाम, और फिर क्रिया पठे, उत्तम पुरुष एकवचन द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठे, हम सबको पढ़ना चाहिए तो कर्ता होगा वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगाएंगे पठे, हम सबको पढ़ना चाहिए वयम पठे, मुझे हम दोनों को हम सब, इसी प्रकार से युष्मत शब्द का प्रयोग किया जाता है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें, तुम्हें के लिए हम यूज करेंगे त्वम, तो हम मध्यम पुरुष एकवचन का करता है तो मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठे, तुम पठे तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है, और तुम दोनों को पढ़ना चाहिए तुम दोनों के लिए युवाम यूज करेंगे युवाम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए पठेतम यूज करेंगे पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए तो लिखेंगे यूयम, मध्यम पुरुष बहुवचन का था तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठेत, देखिए मध्यम पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन, बहुवचन का प्रयोग करेंगे पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए, इस प्रकार से हम विधिलिंग लकार में वाक्य बनाते हैं, हिंदी से संस्कृत में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा, अब आगे साथियों एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं क्या लकार परिवर्तन से संबंधित, कर्ता से संबंधित, क्रिया से संबंधित, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए एक वाक्य बनाता हूं, मुझे समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, ये वाक्य है तो मुझे के लिए हम यूज करेंगे अहम, ठीक है, क्या पढ़ना चाहिए समाचार पत्रम, ये कर्म हो गया, और पढ़ना चाहिए पठेयम, पठेयम क्यों आया, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष एकवचन है
इसलिए उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा पठेयम, मुझे समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। अब लिखा गया है यहां पर कि इसको लोट लकार में परिवर्तित करो, लोट लकार में बदलो। ये तो विधिलिंग लकार में है, ये तो विधिलिंग में है, विधिलिंग लकार, इसको लोट में परिवर्तित करना है हमें, लोट लकार में। तो हमें क्या बदलना है? हमें बदलना है साथियों केवल क्रिया। शेष सेंटेंस ऐसे कि ऐसे लिख देंगे हम, अहम समाचार पत्रम, ठीक है, उत्तम पुरुष एकवचन का करता है तो उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया लिखेंगे हम पठानी। क्या लिखेंगे? पठानी। अहम समाचार पत्रम पठानी, मैं समाचार पत्र पढ़ू। ये लोट लकार में परिवर्तित हो गया। और अब हमें कहा जाए कि लृट लकार में चेंज करो मृट लकार में, तो क्या चेंज करेंगे? केवल ये ही, अहम समाचार पत्रम पठिष्यामि, ये चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है, ये भी उत्तम पुरुष एकवचन की है, तो उत्तम पुरुष एकवचन की है तो आगे भी परिवर्तित करेंगे तो उत्तम पुरुष एकवचन में हम चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मान के हमें कहा जाए कि लंग लकार में बदलिए, लंग लकार में बदलिए, तो हम लंग लकार में बदलेंगे तो भी हमारा यही वाक्य होगा, अहम समाचार पत्रम अपठम, अहम समाचार पत्रम अपठम, मैंने समाचार पत्र पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट संकेत आए हमारे पास में कि लट लकार में चेंज करो साहब, वर्तमान काल में इसको बदलो, तो वर्तमान काल में बदलेंगे तो भी हमारा वाक्य यहां तक समान रहेगा, अहम समाचार पत्रम पठामि, तो भी हमारा वाक्य यही रहेगा, अहम समाचार पत्रम पठामि, ये लट लकार में बदल दिया, ठीक है। लकार में परिवर्तित करने के लिए कहा जाए तो केवल हमें क्रिया बदलनी है, केवल हमें क्रिया बदलनी है। मान लीजिए यहां पर अहम के स्थान पर, अहम के स्थान पर आवाम हो जाए, क्या हो जाए? आवाम, यहां पर आवाम लिख दिया मैंने, आवाम हो जाए या ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो हम क्या परिवर्तित करेंगे? हमें क्रिया चेंज करनी है, कौन सी? उत्तम पुरुष द्विवचन में क्रिया हमें लिखनी। अब हमें कहा जाए कि इनको शुद्ध कीजिए, तो शुद्ध करेंगे तो ये आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की होगी, तो यहां पर हम उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लिखेंगे पठे। यहां पर भी आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है तो उत्तम पुरुष द्विवचन का क्या लिखेंगे? क्रिया लिखेंगे पठा। उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या लिखेंगे? पठा। लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठा। नेक्स्ट है आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन, तो लृट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया यहां पर भी हम चेंज करेंगे पठिष्यावः, ये हो गया चेंज। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है तो लंग लकार में हमें चेंज करना है, तो आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग यहां पर करेंगे, अपठम अपठाव करेंगे यहां पर, अपठा उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया। अब है लट लकार, उत्तम पुरुष द्विवचन का करता तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठानी पठावः, ये उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया हो। तो कर्ता के अनुसार क्रिया हमें बदलनी है, शुद्ध अशुद्ध के विषय में कहा जाए तो, ठीक है। अब देखिए एक चेंज और करके देखते हैं, यहां पर ये कर्ता मैंने रख कर दी, ठीक है, और यहां पर कर्ता लिखा हुआ आ गया से, यहां पर लिखा हुआ आ गया तुम, यहां पर लिखा हुआ आया हमारे पास में यूयम,
ठीक है, यहां पर लिखा हुआ आया वयम और यहां पर कर्ता आ गया था। अब हमें कहा जाए कि शुद्ध कीजिए, तो शुद्ध कैसे करेंगे, से प्रथम पुरुष एकवचन का कर्ता है और ये क्रिया किसमें है, विधि लिंग में है और उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, इसको हम प्रथम पुरुष एकवचन में करेंगे। प्रथम पुरुष एकवचन में करेंगे तो विधि लिंग लकार में प्रथम पुरुष एकवचन हो जाएगा पठी, ये हमारा वाक्य शुद्ध हो गया। नेक्स्ट है त्वम, मध्यम पुरुष एकवचन का कर्ता, तो लोट लकार में ये है उत्तम पुरुष द्विवचन, इसको मध्यम पुरुष एकवचन में करेंगे लोट लकार में, तो मध्यम पुरुष एकवचन में हो गया पठ। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में ये क्रिया चेंज करनी है हमें, तो क्या होगी, मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया पठिष्यत, पठिष्यसि, पठिष्यत है पठिष्यत, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो गया। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो लंग लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन में हम क्रिया लिखेंगे अपठम अपठा अपठा, ये क्रिया हो गई। अवता प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, प्रथम पुरुष बहुवचन की हम क्रिया लिखेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन की लट लकार में, तो क्या लिखेंगे, पढ़ती पढ़ते पठंती, ये प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया हो गई पठंती। तो इस प्रकार से लकार परिवर्तन या क्रिया के आधार पर शुद्ध अशुद्ध या कर्ता के आधार पर शुद्ध अशुद्ध, इस प्रकार के भी वाक्य एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।